बिग बॉस 18 शुरू ही हुआ है और घर के अंदर घमासान मचा हुआ है। हर कोई खुद को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। कौन रियल है और कौन दिखावा कर रहा है, ये पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन चाहत पांडे को रोते देख विवियन को तो कुछ ऐसा ही लग रहा है और वो कह रहे हैं कि ये डेली सोप के आंसू हैं। बिग बॉस 18 के एक प्रोमो वीडियो में दिखाया गया कि चाहत पांडे रो रही हैं, उनके आंसू नहीं थम रहे। उन्हें देख कर कोने में बैठे विवियन डिसेना और करणवीर मेरा बात करने लगते हैं। विवियन बोलते हैं ये रो नहीं रही है, ये डेली सोप के आंसू हैं। इससे पहले नॉमिनेशन टास्क में भी विवियन ने कहा था कि चाहत के 5 चेहरे हैं। इसके अलावा बीते एपिसोड में एलिस कौशिक और ईशा सिंह को भी चाहत पांडे के बारे में बात करते हुए देखा गया था। एलिस कहती है कि वो चाहती है कि मैं संस्कारी दिखूँ, मैं ऐसी दिखूँ। तभी बगल में बैठी ईशा सिंह भी बोलती हैं वो ऐसी ही बन रही हैं, जैसे फीमेल लीड्स कैसे होते हैं, थोड़े से विनम्र बहुत अच्छे। वह आगे बता दें कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि करणवीर मेहरा, ईशा सिंह और अविनाश मिश्रा को एक स्पेशल अधिकार मिलता है कि वो किसी एक सदस्य को जेल में डालेंगे। इस पर करणवीर ने गुणरत्न का नाम लिया, जिसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने जेल में जाने से साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि उनसे सरकार डरती है। इतने सारे लोगों के होते हुए भी मुस्कान बामने शो में अकेला महसूस कर रही हैं। वे कन्फेक्शन रूम में बिग बॉस को ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। फिर बिग बॉस से घर वालों से मिलने की इजाज़त मांगी पर साफ इनकार हो गया। फिर उन्होंने कहा कि घर वालों की फ़ोटो मिल सकती है, बिग बॉस इसके लिए भी राजी नहीं हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स और जानकारियों के लिए हमारे चैनल एप्स मीडिया के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लाओ आ जाओ, ऐसे नोटबुक को देख तो पूरी रात तक देखने की कैपेसिटी रखते हो आप, क्योंकि आप भीड़ बेशर्म किस्म के बच्चे हो। आ जाओ इधर, इधर क्वेश्चन रीड करो।